हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनालिटिक कांस्टेंट के बारे में। ये जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 मतलब कि सेमेस्टर 3 और यूनिट नंबर हम अभी देख रहे हैं 3। ठीक है, तो आज हम एनालिटिकल कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो एसिड वैल्यू, एयोडीन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू एंड आरएम वैल्यू वन बाय वन सारे देखेंगे। ठीक है, ये जो सारे वैल्यू है वो हम फैट एंड एसिड की मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो है हमारा एसिड वैल्यू। ठीक है, तो एसिड वैल्यू में क्या आएगा, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो एसिड वैल्यू मतलब कि फैट एंड ऑयल्स में कितने फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए हम एसिड वैल्यू का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या आएगा कि एसिड वैल्यू अगर हमको डिटरमाइन करना है तो हम डायरेक्टली फैट एंड ऑयल को टाइटेट करेंगे अल्कोहलिक मीडियम में अगेंस्ट स्टैंडर्ड NaOH या तो KOH सोल्यूशन और फिनोफ्थलिन इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल में क्या आएगा कि भाई एसिड वैल्यू को हमको डिटरमाइन करना है तो हम फैट एंड ऑयल को डायरेक्ट टाइटरेट करेंगे, अल्कोहलिक मीडियम रखेंगे, स्टैंडर्ड KOH या तो NaOH सोल्यूशन के साथ बाय यूजिंग फिनोफ्थलिन एज एन इंडिकेटर। ठीक है, उसमें हम ब्यूरेट में लेंगे KOH, फ्लास्क में लेंगे हम सैंपल फैट या तो ऑयल का, उसके बाद हम 50 ml लेंगे ईथर एंड इथेनॉल का मिक्सचर, इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फिनोफ्थलिन, हमारा जो कलर चेंज आएगा वो आएगा हाइड्रेशन में कलरलेस टू पिंक। ठीक है, अब हम प्रोसीजर देखते हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्रिंसिपल में ही लिखनी है। ठीक है, तो प्रोसीजर में हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले 10 ग्राम जो सैंपल हमारा रहेगा, ठीक है, उसको डिजोल्व करना पड़ेगा 50 ml मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड इथर के साथ, उसके बाद हम उसमें फिनोफ्थलिन इंडिकेटर डालेंगे और उसके बाद हम KOH के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो हमारा पिंक कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर ड्रॉ करके चार्ट में लिखी हुई है। ठीक है, कि आपको भाई यहाँ पे ब्यूरेट में KOH लेना है और नीचे फ्लास्क में सैंपल एंड अल्कोहल इथर का मिक्सचर लेना है और इंडिकेटर लेना है। ठीक है, और एसिड वैल्यू का तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमको एसिड वैल्यू को कैलकुलेशन करना है एसिड वैल्यू का। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमको दिया है कि एसिड वैल्यू इज इक्वल टू 5.61 N/W, N मतलब इरिटेटिंग और W मतलब वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, इस वैल्यू से मतलब इस इक्वेशन से आप एसिड वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही है। ठीक है, जो 6 वैल्यू है ना उसमें से 2 या 3 वैल्यू तो आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, तो एसिड वैल्यू जो है वो कॉमन पैरामीटर है सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स के लिए। ठीक है, सॉरी, स्पेसिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स के लिए वो रेंसिड स्टेट का इंडिकेशन देता है। थर्ड है, मेज़र करते फ्री फैटी एसिड कितना प्रेजेंट है। ठीक है, वो मेज़र करता है। उसके बाद अगर ऑयल विथ एसिड वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी के मतलब कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत हार्मफुल माना जाता है। ठीक है, ये इंडिकेशन देता है अबाउट द एज एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो वो ऑयल एंड फैट का एक्सपायरी डेट मतलब बताता है कब तक ये अच्छा रह सकता है। ठीक है, रेंसिड स्टेट हमने आगे जैसे कि बोला वैसे। ठीक है, तो ये सारे हो गए जो हमारे एसिड वैल्यू के सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये है फर्स्ट पैरामीटर हमारा। नेक्स्ट हमारा है सेपोनिफिकेशन वैल्यू। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू में हमारा क्या आएगा कि नंबर ऑफ MG ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ठीक है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू मतलब नंबर ऑफ MG ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। 1 ग्राम फैट एंड ऑयल को आपको सेपोनिफाई करना है तो कितने KOH की आपको रिक्वायर रहेगी। ठीक है, वो हम उसे बोलेंगे सेपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ये क्या करता है, एवरेज मॉलिक्यूलर जो फैटी एसिड जो प्रेजेंट होता है ना उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करने के लिए उसका डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में क्या आएगा कि सेपोनिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो फैटी एसिड जो होता है ट्राइग्लिसराइड में वो पहले हम हाइड्रोलाइज करते हैं अल्कली से। ठीक है, तो वो ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं अल्कली के साथ अल्कली की हेल्प से तो यहाँ पे ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन क्वांटिटी ऑफ द फैट एंड ऑयल होता है उसको रिप्लेस करते हैं विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक KOH। आफ्टर सेपोनिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद उसको फिर टाइट्रेट करना पड़ता है अगेन स्टैंडर्ड एसिड के साथ।
एंड देन सैंपल इज टाइटेटेड विथ HCl, जो हम उसको नंबर देंगे ए, एंड उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे ब्लैंक टाइटेशन, उसे हम नंबर देंगे बी। ए और बी इसलिए दे रहे क्योंकि हमको कैलकुलेशन में ये जो इस सैंपल टाइटेट करेंगे HCl के साथ जो रीडिंग आएगा, ठीक है, वो हमको कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा इसलिए, और ब्लैंक टाइट्रेशन का भी हमको यूज़ करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे हमने ए और बी नंबर दे दिए, ठीक है। तो नॉन क्वांटिटी, ठीक है, प्रोसीजर में क्या है भाई, नॉन क्वांटिटी फैट एंड ऑयल जो होती है वो रिप्लेस करते हैं हम एक्सेस अमाउंट ऑफ KOH के साथ, उसके बाद सेपोनिफिकेशन हो जाता है तो उसको फिर से टाइट्रेट करते स्टैंडर्ड एसिड के साथ, सैंपल टाइट्रेट करते 0.5 HCl के साथ, ठीक है, यही है यहाँ पे वो हमारा ये आएगा। उसके बाद ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी, और यहाँ पे हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो फिनोफ्थैलीन करेंगे, जो वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है, वो हम सेपोनिफिकेशन डिटर्मिनेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेपोनिफिकेशन वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू 28.05 डिवाइड बाई वेट ऑफ द सैंपल। मैंने बोला ना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहाँ पे हमको जो रीडिंग आएगा वो यहाँ पे हमको रखना है तो हमारा सेपोनिफिकेशन वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। अब हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो है, ठीक है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू का जो सिग्निफिकेंस है उसमें आएगा कि वो आइडिया देता है अबाउट द एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट एंड ऑयल्स, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट जो फैट का होगा, ठीक है, वो हमको कैसे फाइंड करना है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट इज इक्वल टू MG ऑफ QOH डिवाइडेड बाय सेपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट। तो हम एवरेज मॉलिकुलर जो वेट होगा फैट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपोनिफिकेशन जो वैल्यू है वो आइडिया देता है एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ द फैट एंड ऑयल्स के बारे में, ठीक है। सेपोनिफिकेशन वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो मॉलिकुलर वेट डिक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो कार्बन चेंज की जो एसिड में जो कार्बन चेंज प्रेजेंट उसकी लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर सेपोनिफिकेशन वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो लेंथ होगी चेन की, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है जो आपको स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस में लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने आज दो पॉइंट डिस्कस किए, सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू, ठीक है। ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है, आप खुद भी एक बार पढ़ लोगे ना तो भी आपको आ जाएगा, उसमें कुछ है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।